जी फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बर्ड स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जैसे कि आपको मालूम है, मैं जो है वो नुमान भाई के घर पे आया हूँ और नुमान भाई के घर पे हम आज करने लगे हैं नेस्टिंग। और जैसे कि आपको पता है कि सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम का जो है वो बड़ी बेसब्री से हर किसी को इंतज़ार होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे कि जो है वो नेस्टिंग कौन कौन से मटेरियल से कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ कि नेस्टिंग मैं किससे कर रहा हूँ अभी। जी फ्रेंड्स, तो ये तो जैसे कि आपको पता ही है, ये नेस्टिंग जो है हर जगह अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये नेस्टिंग चल रही है आजकल। क्योंकि जैसे जैसे ये काम बढ़ता जा रहा है उस तरीके से जो है वो हर चीज़ कमर्शियल होती जा रही है। और पहले जो है वो आपको पता है नेस्टिंग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से, मतलब चीज़ों से मुराद ये कि काफ़ी सारी और दूसरी मटेरियल होता था जिसमें जो है वो डिफरेंट तरह के जो दरख्त हैं उनकी जो है वो पत्ते होते थे, पत्ते या टहनियाँ होती थी जिससे वो जिसको वो हम बर्ड्स को देते थे और वो खुद ही काट काट के लेके जाते थे, या घास होती थी जो गदा घास भी होती है और इस तरह की जो घास होती है वो होती जो है वो जैसे जैसे मैंने जैसे बात की कि जिस तरीके से ये फील्ड बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से काम बढ़ता जा रहा है तो हर चीज़ कमर्शियल होती जा रही है। और हम पहले जो है वो आपको पता है मेडिसिन्स भी यूज़ नहीं करते थे, तो अब जो है वो मेडिसिन्स भी यूज़ करने लग गए, मतलब देसी नुस्खे जो है वो ज़्यादा यूज़ करते थे, अब हर चीज़ कमर्शलाइज होती जा रही है ना। तो इसी चीज़ को जो है वो हर किसी ने जो है वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग। जैसे जैसे हर चीज़ आगे बढ़ती जा रही है तो पिछली चीज़ भूल के हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। तो यही चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था। और मैं जो है वो वैसे ये नेस्टिंग भी दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो और भी दूसरे जो दरख्त वगैरह के जो टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं, जैसे नीम के पत्ते, नीम की जो टहनियाँ होती थी वो देते थे पहले, उसके अलावा और ये जो मोरिंगिया की जो टहनियाँ हैं वो देते थे, और दूसरे भी काफ़ी सारे जो है वो दरख्त हैं जिसकी छाल वगैरह देते हैं, जिसको वो काट काट के जो है वो बर्ड्स अपने नेस्टिंग करते हैं उसकी। तो चलिए हम जो है वो आगे इसके ऊपर और बात करेंगे। पहले मैं इसकी कटिंग कर लूं, और कटिंग आपको पता है ये मैंने थोड़ी बहुत की है, ये देखें, ये आपने कटिंग करनी है कोई आठ इंच से 12 इंच तक के दरमियान जो है वो ये आपने कटिंग करनी है इस नेस्टिंग की। तो चलिए मैं ये सारे बंडल्स की कटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा है मैंने ये बंडल काटा, और काटने के बाद मैंने इस तरीके से इसको किया है और इस तरीके से खोलना है इसको लाजमी है। देखें, ये एक बंडल मैंने आपके सामने काटा, वरना क्या होता है इस तरीके से, ये देखें, अगर बंडल को आप खोलेंगे नहीं तो इस तरीके से ये बंडल पड़ा रह जाएगा, छोटे छोटे बंडल्स में पड़े रह जाएंगे, ये देखें। तो इसको खोलना ज़रूरी है, उससे क्या होगा कि आपकी नेस्टिंग बहुत अच्छी होगी इसको खोलने से, और आपकी नेस्टिंग ज़ाया भी नहीं होगी इस तरह से। अगर खोलेंगे नहीं तो वो नेस्टिंग जो है वो आपकी ज़ाया होगी अगर खोलेंगे नहीं तो, और अगर खोलेंगे तो ये देखें उससे आपका नेस्ट बॉक्स भी भर जाएगा खोलने की वजह से, और वो नेस्टिंग भी जैसे मैंने अभी बताया ज़ाया नहीं होगी। इस तरीके से आपने इसको खोल लेनी है सारी नेस्टिंग को, ये देखें इस तरीके से बंडल्स पड़े हुए थे, ये खोलने हैं आपने। नेस्टिंग की कटिंग का जो है वो मरहला ख़त्म हो गया, अभी जो है वो बॉक्सेस धोने के बाद जो है वो इनके अंदर, ये आप देख सकते हैं पावर प्लस का भी है, और ये जो पावरफुल के नाम से भी पाउडर है, ये नुमान भाई जो है वो अंदर बॉक्सेस के अंदर जो है वो पाउडर डाल रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ कि आपको क्वांटिटी कितनी कितनी डालनी है, ये भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इस तरीके से सारे में ये मिक्स कर देना है आपने ना, इसकी जो एजेस हैं ये सारी जो है वो फिल करने, इसी तरह से सारे बॉक्सेस के अंदर ये इस तरह से, ये देखें वाइट नज़र आ रहा है ये सारा, इस तरीके से ये सब बॉक्सेस में डालना। अच्छा, इन पाउडर का आपको मैं फ़ायदा बताता चलूँ कि इस पाउडर को लगाने से जो है वो अंदर कीड़े मकोड़े, चेंटियाँ और इस टाइप की चीज़ें नहीं आती, जैसे मकड़ी वगैरह भी कभी कभी जो है वो अपने जाले वगैरह बना लेती है, तो इसको लगाना ज़रूरी होता है। और अगर इसके हम देसी नुस्खे पे चलें, अगर आप फर्ज करें कि अगर आप नहीं चाह रहे कि आप पाउडर यूज़ करें, तो इसकी जगह पर आप हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हैं, उसके साथ साथ लौंग, 2-3 लौंग डाल दें इसके अंदर, और अगर वो भी नहीं करना चाह रहे तो इसके अंदर वो प्लास्टर पेरिस मिलता है, प्लास्टर पेरिस भी आप डाल सकते हैं। तो ये बड़ा मुफीद और जो है वो तरीका है, ख़ास तौर पे जो नेचुरल जो मैंने आपको चीज़ें बताई, हल्दी और क्या नाम है
लॉन्ग्स, ये बहुत अच्छा है। इससे ये होगा कि आपके बॉक्स के अंदर जो स्मेल होगी वो भी नहीं होगी। हल्दी का फ़ायदा और लौंग का फ़ायदा ये है कि इससे आपके बॉक्स के अंदर स्मेल नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा एक टोटका भी है और बहुत अच्छा जो है वो कीड़े मकोड़ों को, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर हम अपने कपड़ों के अंदर भी जो है वो लौंग वगैरह रख देते हैं, और हल्दी तो आपको पता है बेस्ट एंटीबायोटिक है, और ये कीड़े वगैरह के लिए भी, मतलब कीड़े मकोड़ों के लिए भी काम में आती है। तो ये देखें, ये सारे बॉक्सेस हैं, ये सारे आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये तकरीबन 130 के करीब बॉक्सेस हैं। इस तरफ भी बॉक्सेस हैं और उस तरफ भी लगे। सारे बॉक्सेस के अंदर जो है वो जैसे कि आपको दिखाया था पाउडर वगैरह लगा दिया है। अभी जो है वो हम नेस्टिंग करने जा रहे हैं और मैं दिखाता हूँ कि नेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो आपके सामने ये मैंने सारी जो है वो घास काट ली थी, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ये एक एक फुट आपने काटनी है और इस तरीके से इसको अलग अलग कर लेने, मतलब बंडल इसका खोल लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नेस्टिंग देखें, इस तरीके से आपने राउंड राउंड करते जाना है और इस तरीके से राउंड राउंड, ये देखें। तो ये आपका एक बॉक्स पूरा जिस तरीके से नेस्ट होता है, ये देखें पूरा बाउल टाइप बन गया है ये, और इसको फिर हम इसमें बॉक्स में डाल देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखें इसी तरीके से दो चार और किए, ये देखें ये मैं और सारी कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर जो है वो अंधेरा हो गया था इस वजह से मैं सही से दिखा नहीं पाया था। ये प्रॉपर गोल नेस्टिंग, ये इस बॉक्स में भी, ये इस बॉक्स की गोल नेस्टिंग, ये देखें इस वाले बॉक्स की, ये अंदर की तरफ जो है वो राउंड बना हुआ पूरा ना। अभी देखें नुमान भाई जो है वो बाकी बॉक्सेज लगा रहे हैं और इस तरफ जो है वो लग चुके हैं बॉक्सेस। और ये देखें ये पेडिग्री और रिकॉर्ड के लिए जो है वो ये पेपर जो है वो लगाया है, ये देखें। अच्छा, मैं बॉक्स का साइज़ आपको मेंशन करता चलूँ, और ये एमए बर्ड वाले से हम लोगों ने लास्ट ईयर बनवाए थे, तो बॉक्स का साइज़ जो है वो इस तरह से जो है वो 9 इंच है, और विड्थ भी इसकी 9 इंच है, और हाइट इसकी 1 फुट है, 9x9x1 फुट। तो ये सारे बॉक्सेस इस तरीके से बने हुए हैं। अच्छा, पेडिग्री वाला जो है उसमें देखें, इसमें क्लचेस लिखे हुए हैं, जो आपका पेयर इस केज के अंदर है उस केज पेयर के बारे में डिटेल है, रिंग नंबर है उसका, उसके अलावा ये फर्स्ट क्लच, सेकंड क्लच और थर्ड क्लच, ये क्लचेस आ गए, फिर उसके रिंग नंबर आ गए। ये लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पोस्टर कर रहे होते हैं, तो पोस्टर अगर हम पेयर पोस्टर कर रहे हैं तो जिस जगह पे पोस्टर करेंगे उस जगह पे भी लिखना होता है और इस पर भी लिखना होता है ताकि हमें याद रहे, इसलिए हम ये पेपर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारे बॉक्सेस लग गए नुमान भाई की शेड में, ये आप देख सकते हैं, और अभी भी चल रहा है काम, अभी भी बॉक्सेस लग रहे हैं। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, ये वाला साइड, ये देखें ये दूसरी रॉ में लग चुके हैं, और कुछ पेयर्स हैं जो अभी बाउंडेड नहीं हुए तो उनके अभी बॉक्सेस नहीं लगाए, तो इंशाल्लाह ताला वो भी लग जाएंगे। जी फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वैसे नुमानदे का जो शेड का जो मैं पूरा ओवरव्यू जो है वो एक दूसरी वीडियो में बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको, और इनके जो पेयर्स हैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से पेयर्स नुमान भाई ने लगाए हुए हैं, तो ये सारी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। ये देखें इस तरफ भी है, और ये वाली लाइन भी है, मतलब इसकी जो बैक साइड है वो लाइन भी है, वो सारी रॉ चल रही है, इधर भी ये वाली रॉ जो है वो पूरी चल रही है, अभी इसमें काफ़ी सारे बॉक्सेज जो है वो रह गए। फ्रेंड, तो चलिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सारी डिटेल दिखाऊँगा इस नुमान भाई की सेटअप की। तो इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है वो भी आप ज़रूर बताएं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बॉक्स में किस तरीके से नेस्टिंग होगी और क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, तो इंशाल्लाह ताला और भी आपको दिखाएंगे।
इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।